ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 294वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का सातवां पाठ चल रहा है और इसमें हमने पीछे 11वें अधिकरण तक देख लिया था, पृष्ठ संख्या 1968। आगे 12वां अधिकरण प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है पुराकृति पुराकल्पानाम अर्थवादत्वाधिकरणम। पुराकृति और पुराकल्प यदि शास्त्र के अंदर आते हैं तो उसके आधार पर ये प्रश्न उठता है कि जैसा यहां वर्णन किया गया है, जो कथानक बताया गया है, क्या वैसा यहां कर्मकांड में करना होगा? कथा को पुराकल्प देने का, प्रकृति देने का प्रयोजन क्या है? कि जैसा वहां बताया गया वैसा ही यहां पर भी करना चाहिए, एक तो ये अर्थ निकलेगा, इसमें तो वो विधि बनेगी। और दूसरे में ये है कि नहीं, ये केवल अर्थवाद है, निंदार्थवाद है या स्तुति अर्थवाद है, कैसे भी, लेकिन ये अर्थवाद है और इसका विधि से सीधा संबंध नहीं है। विधि नहीं माननी चाहिए कि वैसा का वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का प्रश्न उठाया तो सिद्धांतिक मत है कि ये केवल अर्थवाद है, इसको कर्म में विधि में जो का तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं जुड़ेगा। भाष्य, यह प्रकृतयः पुराकल्पाश्च उदाहरणम् बता रहे हैं। यथा प्रकृति को कह रहे हैं, प्रकृति पुराकल्प के बारे में पहले दूसरे भाग में पृष्ठ 415 पे चर्चा आ चुकी है और वहां ये स्पष्ट किया अन्य टीकाकारों के अनुसार कि प्रकृति जो है वो एक कर्तृक होती है और पुराकल्प होता है वो अनेक कर्तृक होते हैं। पहले ऐसा कभी हुआ, ऐसी कथाएं चल रही हैं, तो वो पुराकृति हो चाहे प्रकृति हो चाहे पुराकल्प, तो प्रकृति का उदाहरण दे रहे हैं। यथा इतिहास माह बरकुर वाष्णो माशान में पचता, तो बरकुर वाष्ण वृष्णि का अपत्य बरकु नाम है उनका, वो बोला कि मेरे लिए उड़द को पकाओ। क्यों? नवा एते श्याम हविर गृहणंती, क्योंकि इनकी हवी देवता लोग नहीं लेते हैं, देवताओं के लिए मना किया, पीछे भी प्रसंग आया था हवी में उड़द को नहीं लिया जाता है, बोले देवता लोग उड़द को नहीं लेते, मेरे लिए उड़द पका दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उड़द को पचा लूंगा, मेहनती व्यक्ति होगा। अब देवता लोग तो पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान लोग, वो अधिक मेहनत तो करते नहीं है, बैठे रहते हैं, उनके लिए मूंग की दाल ही ठीक है, उड़द की दाल नहीं। तो जो मजदूर है मेहनत करते हैं, उन्होंने कहा कि उड़द की दाल मेरे लिए पका दो, उड़द की दाल है ना, मेरे लिए बना दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। खिचड़ी अपने यहाँ पर इधर अधिकतर जगह मूंग की दाल की बनती है, उसमें भी छिलके की पसंद करते हैं, पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में खिचड़ी उड़द की दाल की नहीं बनती है, ए इसकी मूंग की नहीं बनती, उड़द की बनाते हैं वो। उड़द की जो प्रतिदिन खाने में खिचड़ी बनती है ना, वो उड़द की बनती है। अगर मूंग की बना दो तो बोले ये क्या रोगियों वाली बना दी है, ये रोगियों वाली खिचड़ी है। तो सामान्यतः हम लोग तो स्वस्थ व्यक्ति भी जब खाते हैं तो मूंग की दाल की ही खिचड़ी खाते हैं इधर, लेकिन वहाँ उड़द की ही बनती है, उड़द की पुष्टिकारक होती है, वो मेहनत करते हैं, खेतों में काम करने वाले हैं तो वो उड़द की ही खाते हैं, अच्छी नहीं लगती है। और दालों में भी उनको उड़द की दाल ही सबसे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर से, इधर पंजाब में और उधर जाएंगे तो वहाँ फिर वो राजमा और छोले, हिमाचल में वहाँ पर वो ज़्यादा चलते हैं, लेकिन इधर इधर उड़द की दाल बहुत पसंद करते हैं।
साबत, साबत उड़द भी बनाते हैं और दाल भी बनाते हैं, छिलका रहित तो भी उड़द की दाल सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो लोग, अपने यहां बहुत कम बनती है, कभी कभार नहीं बनती है, कभी मिश्रित में डालते हैं थोड़ा, लेकिन अपने यहां अति कम है, उसको मना ही कर रखा है, कम ही करते हैं क्योंकि यहां देवता लोग रहते हैं। तो बरकुर वाष्णव ने कहा कि मेरे लिए उड़द पका दो, शौक से मेरे लिए उड़द पका दो, कोई बात नहीं। नवा एतेषाम हवि गृह्णन्ती, उसका कारण बताया, क्योंकि इस हवि को देवता लोग नहीं लेते हैं, देवताओं के लिए नहीं दिया जाता है। तो ये तो हुआ प्रकृति। अब पुराकल्प को बोलते हैं, उल्मू कईर हस्म पूर्वे समा जगमुह तानह असुरा रक्षांसी निजघ्नुह इत्येवम आदय। उल्मुख कहते हैं अंगारों को, जले हुए जो कोयले रहते हैं, दीप्त रहते हैं, उनको सब लेकर के आए और उनको इकट्ठा किया तो असुरों ने उनको नष्ट कर दिया। ये निंदार्थवाद है। जो पीछे प्रसंग आया था सत्र में, अनेक यजमान, वैसे एक होता है लेकिन जितने ऋत्विक हैं वो भी यजमान हैं, वो अपनी अपनी अग्नि लेकर के आते हैं और जो अभी यजमान के रूप में प्रतिष्ठित हैं उसकी अग्नि में सबको मिलाते हैं, सब उसकी अग्नि में मिला देते हैं अपनी अग्नि को, क्योंकि सबकी सम्मिलित है और फिर उसमें सत्र किया जाता है। उसमें साथ में ये विधान है कि उसको संस्कार करना पड़ता है, जो अग्नि लेकर के आए उसको मंथन करके फिर उसमें अग्नि डाली जाती है। अपने घर से जो अग्नि लेके आए सब ऋत्विक लोग, सब यजमान लोग उसको फिर संस्कारित करते हैं, अरणि मंथन करके फिर उसका कुछ भाग उसमें डालते हैं और फिर उसको देते हैं, फिर उसको सब जने मिलाते हैं, ये प्रक्रिया है। तो जो संस्कारित नहीं करता वैसे ही अपनी अग्नि को ला करके वहां मिला देता है, उसके लिए निंदार्थवाद है कि राक्षस लोग और असुर लोग उसको नष्ट कर देते हैं, है अर्थवादी, निंदार्थवाद है, अर्थात तो ऐसा नहीं करना चाहिए, संस्कारित करके फिर वहां पर डालना चाहिए। इत्यवाद है तेषु संदेह कि मे ते मनुष्य धर्मा विधय उत तदगोत्राणाम अथवा अर्थवाद आई कि ये मनुष्यों के धर्म है कि जो जो भी इस कर्म को करेंगे वे इन इन गुणों से युक्त होने चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, मनुष्य के धर्म है और विधि है। उत तद गोत्राणाम अथवा इस गोत्र वाले जो भी होंगे उन सबके हैं, उस गोत्र वालों को ये करना है, तब गोत्र वालों वाले करेंगे तो भी ये विधि ही मानी जाएगी। और अगला पक्ष है अथवा अर्थवाद आई थी, ये केवल अर्थवाद है। किम तावत प्राप्त, 26वें सूत्र में पूर्व पक्षी प्रथम बोलता है, प्रकृति पुराकल्पम च मनुष्य धर्म स्यात् अल्पविराम अर्थाय अनुकीर्तनम्। ये प्रकृति और पुराकल्प मनुष्य के धर्म ही होने चाहिए क्योंकि इनका जो संकीर्तन है वो अर्थ के लिए, प्रयोजन के लिए है, सब प्रयोजन है, तो अगर यहां नहीं करेंगे, मनुष्य के धर्म नहीं होंगे तो वहां पर प्रयोजन पूरा नहीं होगा। मनुष्य धर्मा विधेय इति कुतः अर्थाय, अर्थाय को खोल रहे हैं, प्रयोजनाय अनुकीर्तनम एतद् भवति, प्रयोजन के लिए कथन किया गया। कर्तृ मनुष्य संबंध कीर्तनेन क्रिया प्रशस्ता भवति, कर्ता मनुष्य के कई संबंध के बताने से वो क्रिया प्रशस्त हो जाती है, कोई क्रिया की जा रही है और उसके साथ में किसी मनुष्य कर्ता विशेष का संबंध जोड़ दिया तो उससे क्रिया प्रशंसित हो जाती है। यदि वो व्यक्ति प्रशंसित है तो, व्यक्ति प्रशंसित है तो समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तो, और उसके लिए अन्य लोग उदाहरण देते हैं, भाई ये तो वो भी करते हैं, कोई विशिष्ट व्यक्ति कहीं साधना शिविर में जाए, बोले उस साधना शिविर में तो वो भी जाते, बड़े बड़े लोग होते हैं ना आजकल, विशिष्ट लोग, राजनेता हो या तो अभिनेता अभिनेत्री हो, लेखक हो, बड़े बड़े धनी हो, सेलिब्रिटी जो मुख्य माने जाते हैं आजकल, वो कहीं जाते हैं किसी क्रिया को करते हैं, बोले कि ध्यान तो वो भी करता है, बोले आसन प्राणायाम तो वो भी करता है, जब उसका नाम उन क्रियाओं के साथ में या स्थान के ना साथ में जोड़ा जाता है तो उस क्रिया की प्रशंसा होती है, बोले उस रूप में ये प्रशंसा है। कर्तृ मनुष्य संबंध कीर्तनेन क्रिया प्रशस्ता भवति, और प्रशस्तम च प्रतिपाद्यम, और जो प्रशस्त होता है
वो प्रतिपाद्य होता है, यानी उसका प्रतिपादन करना चाहिए, यानी वो करने योग्य होता है। स एष विधि एव अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो ये विधि ही सिद्ध होती है। अतः परैरपि मनुष्य ही कर्तव्य इति गम्यते, और जब ये विधि हुई, जब ये विधि हुई मनुष्य का धर्म हुआ, तो अन्य मनुष्यों को भी ऐसा करना चाहिए, इस रूप में कथन आएगा। अगला 27वां सूत्र, तदयुक्ते च प्रतिषेधात्। कोई पूर्व पक्षी प्रथम ही कह रहा है, बोले उससे जुड़े हुए विधि से युक्त में ही प्रतिषेध देखा जाता है। अगर प्रतिषेध किया जा रहा है तो वो विधि पूर्वक ही होता है, इससे भी पता लगता है कि यहां पर विधि है। तो एवं जातीय कस्य विधेय प्रतिषेधो भवति, इस प्रकार की कथनों का विधि का प्रतिषेध होता है। तत् तथा न कुर्यात्, इसको ऐसा नहीं करे। इति प्रसक्तस्य च प्रतिषेधो न्याय्य, जो प्रसक्त है प्राप्त है उसी का प्रतिषेध उचित है। तस्मादपि विधेयति, इससे भी ये सिद्ध होता है कि विधियां हैं। 28वां सूत्र, ये पक्षांतर है, पूर्व पक्षी द्वितीय है। निर्देशाद्वा तद्धर्म स्यात् पंचावत्तवत्, बोले निर्देश के कारण से ये उनका धर्म होवे। किनका धर्म होवे? उस कुल वालों का धर्म होवे, उन व्यक्तियों व्यक्ति विशेष का धर्म होवे, गोत्रों का धर्म होवे, मनुष्य मात्र का नहीं। पहला वाला पूर्व पक्षी मनुष्य मात्र के लिए कह रहा था, ये यो सबके लिए नहीं कह रहा है, उन गोत्र वालों का ये धर्म होवे, पंचावत्त के समान उसका उदाहरण देंगे। तो चूंकि निर्देश है वहां पर, मनुष्य धर्मोयम विधेर विधि एवं जातीय का इति गृह्यते, मनुष्य धर्म को एवं विधि एवं जातीय का इति गृह्यते। जब यूं कहेंगे कि मनुष्य धर्म वाली विधि है, ये विधि कैसी है कि ये धर्म मनुष्यों में घटेंगे, तो कह रहे हैं इससे क्या निकलेगा, एवं जातीय का इति गृह्यते, जो इस प्रकार के हैं उनका यहां पर ग्रहण होगा। अर्थात मनुष्य धर्मो अयम विधि एवं जातीय का, इस प्रकार का तो हम स्वीकार करते हैं। यानी जो पूर्व पक्षी दो है वो ये तो मानता है कि ये विधि है और मनुष्य का धर्म है, लेकिन सब मनुष्यों का नहीं, वो तो आगे बताएगा, लेकिन विधि है और मनुष्यों का धर्म है। तत्र तो विशिष्ट गोत्राणाम निर्देशात् तेषामेव धर्म इति गम्यते, लेकिन वहां चूंकि विशिष्ट नाम पढ़े गए हैं गोत्रों के, तो उन्हीं का ही ये समझना चाहिए। स्तुत्या ही अयम कर्तव्य इति ज्ञायते, और ये कर्तव्य है विधि है, ये कैसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ स्तुति है। स च विशिष्ट गोत्राणाम श्रूयते, और ये जो प्रशंसा है स्तुति है, विशिष्ट गोत्र वालों का नाम लेके सुनी गई है, सामान्य मनुष्य का नाम लेके नहीं कही गई है, इससे पता लगता है कि इन्हीं को करना, इन्हीं का धर्म है। तस्मात् तत् गोत्राणाम एव कर्तव्य, इसलिए इस गोत्र वालों को ही ऐसा धर्म करना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं पंचावत्तवत्, पांच बार अवदान करने के समान, पंचावत्त पांच बार अवदान करते हैं, ये विशेष विधान किया गया। यथा पंचावत्तम जमदग्नीनाम इति तद गोत्राणाम एव भवति एवं यहापि इति, जब ये कहा पंचावत्तम जमदग्नि नाम, तो जमदग्नि गोत्र वालों को ही ये पंचावत्त का आगे भी करना होता है। अब ये पंचावत्तता धर्म तो उन्हीं का ही है, उनको ऐसा ऐसा करना है अपने याग में। दूसरा, यहां पर पंचावत्त को पंचार्षेयता भी कहते हैं, कि जमदग्नि वालों को पांच ऋषियों उनके कुल में हुए हुए हों उसका कथन करना होता है, पांच पंचार्षेय। सामान्यतः तो तीन आर्षेय होता है, त्रयार्षेय, अन्यों की त्रयार्षेयता होती है, तीन ऋषि उस कुल में होने चाहिए, वो इन कर्मों को कर सकता है, लेकिन जमदग्नि के उसमें पांच ऋषि होने चाहिए। इति तद गोत्राणाम एव भवति एवं यहापि इति, तो ये जमदग्नि गोत्र वालों की प्रशंसा है या निंदा है? है? उस गोत्र में, उस कुल में पांच पांच ऋषि हुए हैं, दूसरों में तीन ही हुए हैं, है? तो निंदा क्यों है ये? निंदा क्यों है? प्रशंसा है ना, कैसे प्रशंसा है? रविशंकर जी, जी अगर ये बोला जाएगा कि पांच ऋषि होने चाहिए तब कर सकता है, तब तो ये निंदा कहलाएगी, और अगर अगर ये कहा जा रहा है कि पांच ऋषि होंगे तब कर सकते हैं, तब तो ये निंदा कहलाएगी, और यदि ये कहा जा रहा है कि आप इसके पांच ऋषि हैं तो ये जी स्तुति कहलाएगी। जिसके पांच ऋषि हैं, इसके जमदग्नि के कुल के
पांच ऋषि हैं तो ये स्तुति हो जाएगी। जमदग्नि कुल वालों की पंचावतता होगी, होती है, यानी पांच पांच ऋषि हैं उसमें, ऐसा पांच पांच कह सकते हैं वो, और तो तीन ही कह पाते हैं उसमें, पांच पांच कह सकते हैं, ये तो प्रशंसा होगी। वो कह के नहीं, पांच ऋषि होने चाहिए तब है, तीन ऋषि से काम नहीं चलेगा क्योंकि इनके ऋषि कम योग्यता वाले हैं इसलिए पांच चाहिए। नहीं भाई, मिश्री रहे तो एक चम्मच डाल दो हो जाएगा मीठा, और बूरा है बोले तो दो चम्मच चाहिएगी, एक चम्मच से मीठा नहीं होगा, बूरा कम मीठा होता है ना, ऐसे तो पांच ऋषि हैं तो कम योग्य हैं। आगे ओ 29वां, हाँ बोलो आचार्य जी, जो यज्ञ करने का विधान त्रियार्षय वालों के लिए मुख्य रूप से कहा जाता है, उसमें क्या क्या आप कहना चाह रहे हैं? ये जो पंचावत जमदग्नि ऋषियों के लिए यज्ञ का विधान किस रूप से प्राप्त है, ये पूछना चाह रहे हैं। किस रूप से प्राप्त है? वचन से, वचन वचन का ऐसा अर्थ है करते हैं, बाकी तो युधिष्ठिर ने जिन्हें हवि का पांच बार अवदान चतुरावत्तम जो होती ये पंचावत्तम है, तो एक बार अधिक अवदान करना है उनको। पहले जो ना एक जो त्रियार्षय वालों के लिए ही कहा गया पिछले अध्यायों में आया था, उससे ज्यादा हो तो ना चतुरो ऐसे भी आया, चार ऋषि वाले तो नहीं कर सकते, तो इनके लिए तो पांच के लिए कहा जा रहा है, चार ऋषि हो तो नहीं करेंगे। और पांच और पांच से ज्यादा विवरणित है, हाँ पांच से ज्यादा का विवरण करता है, हैं? नहीं यहाँ पर नहीं है ऐसा, ऐसा अर्थ एक लगाते हैं, मैंने बात रखी है बस। देखिए आगे 29वां सूत्र, पक्ष निवारण है, ये पूर्व पक्षी प्रथम बोल रहा है, विधौ तु वेद संयोगात उपदेशः स्यात्। बोले वेद का संयोग होने से, यानी वचन का संयोग होने से विधौ तु उपदेशः स्यात्, विधि में, विधि मतलब क्रिया, क्रिया में ही ये उपदेश होना चाहिए, तो शब्दादेशोपि पक्षो व्यावर्तते विधौ एतेषाम उपदेशस्यात्, विधि में इनका उपदेश होने चाहिए। विधौ वेदेन स्तुति निर्देशः कृतः न विद्याश्रय पुरुषे। बोले वेद के द्वारा जो यहां स्तुति का निर्देश किया गया है वो विधि में किया गया है, न कि विधि से आश्रित पुरुष में, पुरुष में स्तुति नहीं की जा, उस विधि में स्तुति की जा रही है। पुरुष ग्रहणम विधि प्रशंसार्थम, पुरुष का ग्रहण किस लिए है? वो विधि की प्रशंसा के लिए है, यानी प्रशंसा किसकी हो रही है? विधि की हो रही है, पुरुष की प्रशंसा नहीं है यहां पर। विधि रीति क्रियाम आह, सूत्र में जो विधि शब्द है उसका मतलब क्रिया है, तो इसलिए ये जो स्तुति है ये क्रिया की है। एतस्याः क्रियायाः भावो यस्माद् अनेन पुरुषेण क्रियते तस्मात् साधुरीति, चूंकि इस क्रिया का होना इस पुरुष के द्वारा किया जाता है इसलिए ये अच्छी है, ये व्यक्ति भी कर रहा है तो इसलिए ये अच्छी है। न तु अत्र पुरुषः क्रिया संबंधे न निर्देश्यते, तो यहां पर जो पुरुष है वो क्रिया के संबंध से निर्देशित नहीं किया जा रहा है कि ये पुरुष इस क्रिया को करें, अगर पुरुष को क्रिया से संबंधित किया जाएगा तो इस गोत्र वाले ये व्यक्ति इसको क्रिया को करें, ऐसा अर्थ निकल के आएगा, लेकिन ये पुरुष केवल स्तुति के लिए है तो क्रिया की विधि की जाए, वो लोग ऐसा करते हैं, बस इतना ही है। किंतु स्तोतव्य है ना, तो पुरुष जो है ये क्रिया के संबंध से निर्देशित नहीं है किंतु स्तोतव्य के रूप में है, यानी स्तुति कर्ता के रूप में है, ये इसकी इनके द्वारा उसकी स्तुति होती है इस रूप में है। कुतः एतत् स्तुति पदस्य अन्यस्य अभावात्, चूंकि यहां पर इस कर्म के स्तुति पद का अभाव है और कोई स्तुति पद है नहीं, तो इसी पुरुष के कथन से वहां पर स्तुति हो रही है। यदि कोई स्तुति का वचन और होता, प्रशंसावाचक कोई और होता, तो पुरुष के वचन को स्तुति में नहीं भी लेते,
लेकिन और तो कोई स्तुति का वचन नहीं है, लेकिन स्तुति तो होनी चाहिए ये मान करके कथन कर रहा है। तो पुरुष का कथन यहाँ पर स्तुति के लिए है। अपिच क्रिया निर्देशे श्रुत्या विधानम, और अगर यहाँ पर क्रिया का निर्देश करेंगे, जो क्रिया का निर्देश अगर यहाँ मानेंगे यानी क्रिया की विधि मानेंगे तो ये श्रुति से विधान होगा। और क्रिया पुरुष संबंध निर्देशे वाक्य न, और क्रिया और पुरुष के संबंध का की विधि यहाँ पर अगर मानेंगे तो ये वाक्य के द्वारा होगा। तच्च दुर्बलम, तो ये जो वाक्य है वो श्रुति से दुर्बल होता है। तस्मात् पुरुष मात्र से विधानम प्राप्त होती न तत् गोत्राणाम इति, इसलिए पुरुष मतलब पुरुष मात्र का विधान प्राप्त हो रहा है न कि उस गोत्र वालों का। ये वो पूर्व पक्षी प्रथम है जो मनुष्य मात्र के लिए विधान कह रहा था। बोले ये तो केवल स्तुति के लिए आया है, उसमें कोई विधि तो है नहीं कि इस गोत्र वाले ही करेंगे, इस गोत्र वाले भी करते हैं, ये एक प्रशंसा है, बाकी मनुष्य मात्र के ऊपर ये धर्म लागू होंगे। इस पे अब सिद्धांति कहता है तीसवां सूत्र, अर्थवादो वा विधि शेषत्वात् तस्मात् नित्यानुवादः स्यात्। बोले ये अर्थवाद है, कैसे? विधि का शेष होने से, विधि पहले हो चुकी है और उसका यहाँ पर शेष कथन किया जा रहा है। तस्मात् नित्यानुवाद है, ये नित्य का अनुवाद है, पहले जो कहा गया है उसी के अंतर्गत ये आता है, ऐसा ही कथन है ये। एषोऽपि पक्षो वा शब्दात् विनिवृत्तः, ये जो दूसरा तीसरा पक्ष था, दूसरा पक्ष था वो भी यहाँ पर हटा दिया गया वा शब्द से। नायम तद्गोत्राणाम विधि न मनुष्य मात्रस्य वा विधि, विधि एव वा इति। बोले न तो उन गोत्र वालों की विधि है न मनुष्य की विधि है, या दूसरे शब्दों में कहो यहाँ विधि ही नहीं है। अर्थवादस्तु, लेकिन अर्थवाद है, कुतः विधि शेषत्वात्, ये विधि का शेष है। अन्यम तु अत्र विधिम आमनंती, या दूसरी विधि कहते हैं, क्या? प्रकृति उदाहरण तावत, जैसे कि प्रकृति वाले उदाहरण को यहाँ पर लेते हुए उसकी पूर्व विधि को बता रहे हैं। तस्मात् आरण्यम एव अश्नीयादिति, आरण्य को ही खाए, आरण्य मतलब जंगल में होने वालों को ही खाए, आरण्य को ही खाए, ये वचन पहले आ चुका है। पुराकल्पोदाहरण, यानी पहले यहां पर ये आरण्य को ही खाए और उसके बाद में ये मांस को कि कह रहा है कि देवताओं के लिए तो वही होता है जो अरण्य होते हैं। पुराकल्प उदाहरण, पुराकल्प के उदाहरण में यहां पर ये आगे बता रहे हैं। गृहपते एव अग्निशु निर्मथ्य निवपेरन इति, गृहपति की ही अग्नि में, गृहस्वामी की, यजमान की अग्नि में ही मंथन करके निवपेरन उसमें डाले, मंथन करके संस्कारित करके फिर डाले, ये पहले से विधि की जा चुकी है, इसलिए अब ये केवल पुराकल्प है, स्तुति अर्थवाद है, निंदा अर्थवाद है। न च द्वयोर विध्यो हो, एक वाक्य भावो अस्ति, इन दो विधियों में कोई एक वाक्यता नहीं है, दोनों अलग अलग है। ओ, न, इन दोनों विधियों में कोई एक वाक्यता नहीं है, अगर पूर्व पक्षी की बात माने और सिद्धांति की माने तो दो विधियां बनेंगी, उन दोनों विधियों में कोई एक वाक्यता नहीं है, कोई इसी एक ही माननी पड़ेगी। तो पहला कह रहे हैं विधिना ही संबद्धमानयो हो प्रकृति पुराकल्प वचनयो हो अन्या वचन व्यक्ति ही। तो जब इसको विधिशेष के रूप में, अर्थवाद के रूप में मानेंगे तो ये सिद्धांति वाला मत है। तो विधिना ही संबद्धमानयो हो प्राकृति पुराकल्प वचन हो, प्राकृति और पुराकल्प के जो ये वचन है ये विधि के साथ में संबद्ध हो रहे हैं, विधि पहले हो चुकी है और ये वाक्य उससे जाकर के संबद्ध हो रहे हैं। तो अन्य वचन व्यक्ति, तो अलग अर्थ निकलेगा जब इन पुराकृति पुराकल्प को विधि वाक्यों के साथ में जोड़ेंगे तो इनका अलग अर्थ निकलेगा, जैसा कि सिद्धांति निकल रहा है। और अन्य तो स्तुत्यर्थ प्रवृत्त हो, और अगर ये दोनों स्तुति के लिए हैं तो इनका अलग अर्थ निकलेगा, ये विधान में चले जाएंगे। न च उभयम योगपत्ति ने संभवती, लेकिन ये दोनों चीजें हो नहीं सकती हैं एक साथ, तस्मात अर्थवाद आई थी, इसलिए इसको अर्थवाद ही मानना चाहिए। आगे तेरहवां अधिकरण, विश्वसृजाम अयने संवत्सर शब्दस्य दिवस परत्वेन मनुष्याधिकाराधिकरणम्। विश्वसृजाम अयन, जो विश्व का सृजन करते हैं, संसार को बनाते हैं, उनका जो अयन है, याग है, उसके विषय में यहां पर कहा गया कि वहां पर सहस्त्र संवत्सर लिखा हुआ है, 1000 वर्ष तक, सहस्त्र संवत्सर, संवत्सर शब्द है, तो वहां जो संवत्सर शब्द है वो दिवस परक है,
उसको दिन लेना चाहिए। क्यों? मनुष्य अधिकारणाम, मनुष्य अधिकाराधिकरणम, इसमें मनुष्यों का अधिकार है। यदि 1000 संवत्सर मानेंगे तो मनुष्यों का अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य 1000 साल के नहीं होते। चूंकि मनुष्यों का अधिकार है यहां पर, इसलिए संवत्सर का मतलब यहां पर दिन किया जाएगा, और ऐसा यहां तात्पर्य किया। सहस्त्र संवत्सर जो याग हैं, कई बार बोलने में आता है ना कि 1000 साल तक चलने वाले याग थे, तो साल का मतलब संवत्सर, वर्ष 360 दिन का या 365 दिन का संवत्सर, ऐसा लेते हुए ऐसा भाव मानते हुए बोलते हैं और सुनने वाले भी ऐसा ही समझते हैं। लेकिन यहां पर संवत्सर का मतलब दिन लेकर के किया गया है, 1000 दिन का। इसमें चर्चा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष चलेगा। तो अस्ति सहस्त्र संवत्सरम सत्रम विश्व सृजाम अयनम, बोले सहस्त्र संवत्सर है जो विश्व सृजाम अयनम, ये नाम है उसका, और उसका वर्णन है पंच पंचाशत त्रिवृत संवत्सरा। पंच पंचाशत, पांच बार पचास, तो कितने हो गए 250, 2050 नहीं 250, हाँ पांच को 50 से गुणा करेंगे 250। ये ऐसे त्रिवृत वाले संवत्सर हैं, इतने त्रिवृत होते हैं उसमें। और पंच पंचाशत पंचदशा, पंचदश होते हैं स्तोत्र, पंचदश स्तोत्र होते हैं वो भी 250 होते हैं। और पंच पंचाशत सप्तदशा, सप्तदश स्तोत्र होते हैं वो भी 250 होते हैं, 250 होते हैं। और पंच पंचाशत एक विंश, एक विंश स्तोत्र होते हैं वो भी 250 होते हैं। विश्व सृजाम अयनम सहस्त्र संवत्सरम, तो विश्व सृजाम अयन ये 1000 संवत्सर का होता है, ये वचन मिला। तत्र संदेह है किम ये सहस्त्र आयुषः तेषाम अनेन अधिकार उत मनुष्याणाम इति, बोले सहस्त्र संवत्सर कहा तो इससे क्या ये पता लगता है, ये संकेत मिलता है कि जिनकी 1000 वर्ष आयु होती है उनके लिए ये कहा गया है, मनुष्यों के लिए नहीं, अथवा ये मनुष्यों के लिए कहा गया है। यदापि मनुष्याणाम तदापि बहवो विकल्पः वक्ष्यमाणः, यदि इनको मनुष्यों का मानेंगे भी तो भी इसमें अनेक विकल्प आगे प्राप्त होंगे, वो आगे बताएंगे भाष्य में। एक एक पक्षी आता रहेगा, द्वितीय पूर्व पक्षी, तृतीय, चतुर्थ पूर्व पक्षी, उन पूर्व पक्षियों के रूप में वो पक्ष रखे जाएंगे कि मनुष्य का हो सकता है तो कैसे संभव है वो। अथवा दिवसेषु संवत्सर शब्द आई थी, अथवा यहाँ ये संवत्सर शब्द दिन का वाचक है। किम प्राप्तम, इसमें पूर्व पक्षी प्रथम कह रहे हैं हाँ विश्व सृजन किम भवति न जायते, पूरे विश्व का सृजन जिसमें होता है उसके प्रतीक के रूप में यागस्य नाम अस्ति, याग का नाम है ये, या कर्तुः नाम अस्ति है, कर्तुः नाम अस्ति वा यागस्य नाम, याग का नाम है ये, जो विश्व को सृजन करते हैं उनका ये अयन है। अब इसको युधिष्ठिर जी ने एक दूसरे ढंग से खोला भी है, ये जो संसार है ये 1000 चतुर्युगों का है, 1000 चतुर्युगों का दिन, 1000 चतुर्युगों की रात, तो ये 1000 के साथ में जुड़ा हुआ है, तो एक चतुर्युगी एक दिन के समान मान करके, तो ये जो संसार बना है वो 1000 चतुर्युगों का बना है, यहाँ 1000 संवत्सर लिखे गए हैं। तो सृष्टि में जैसा होता है उस वैसा ही यहाँ पर स्वीकार किया गया है। तो उसके जो शुरू के सृष्टि के प्रारंभ के जो 250 चतुर्युगियां होंगी वो उसका बाल्यकाल है, युवावस्था तक। जैसे कि 100 वर्ष की आयु हो तो 25 वर्ष तक बाल्यकाल या युवावस्था की प्रारंभ, युवावस्था की नवयुवकता वहां तक हुआ, और फिर 25 से लेकर के 75 तक या 70 तक ये मध्यकाल है, ये युवावस्था का काल है, और 70 या 75 के बाद में जो है वो वृद्धावस्था का काल है। सुश्रुत में भी जैसे आयु का विभाजन किया गया तो उसके आगे मुख्य तो युवावस्था मान लो 45, 44, 48, 50 तक है, लेकिन आगे 70 तक भी उसको युवावस्था में ही माना गया है। तो वो उस तरह से सक्रिय रहते हैं, कार्य करते हैं, तो उसको 70 तक ऐसे माना, जैसे आजकल 58 या 60 साल तक काम पे रख लेते हैं उसको युवावस्था मान ले तो चलो तब तक व्यक्ति क्रियाशील रहता है, और कुछ जगह विदेशों में 70-75 वर्ष तक भी आप सेवानिवृत्त नहीं हो, चलते रहते हैं वो।
प्रोफेसर हैं वो है, पढ़ाते रहते हैं, सेवानिवृत्त नहीं करते, वो कहते हैं और इतने अनुभवी हैं इनका उपयोग ले लेना चाहिए, जनसंख्या कम है और योग्य व्यक्ति कहाँ आएगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि नई पीढ़ी आ रही है उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी, हटाओ इनको यहाँ से, अब बहुत हो गया इनका जीवन तो चल गया, अब 55 साल था पहले, फिर 58 है, फिर 60 है, 62 है, ऐसा करते रहे, उस पर विवाद भी होते रहे। सरकारें घोषणा पत्रों में करती रहें कि हम इसकी आयु को बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे तो जो सेवा में है वो खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा 2 साल और नौकरी रहेगी, पेंशन भी फिर ज़्यादा आएगी। कम करते हैं वो उससे कि युवाओं के लिए, ताकि इनको सेवानिवृत्त करेंगे और युवाओं को मौका मिलेगा, अधिक युवा आएंगे। ऐसे राजनीति में भी इस तरह की बातें चलती रहती हैं। तो कुछ जगह जापान आदि देशों में 70, 75, 72 साल के भी पढ़ाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, जब तक आप कर सकते हो करो, ठीक काम करने चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये जो 1000 साल हैं, ये मनुष्य के जीवन के साथ भी जोड़ सकते हैं, सृष्टि के उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। तो ये पूरा करने के लिए उसकी तुलना लेते हुए यहां पर कुछ कर्म किए गए हैं। तो ये पक्ष विपक्ष तो आ ही गए कि इसको दिन में माने या वर्ष में माने। आगे देखिए तो 31वें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है, सहस्त्र संवत्सरम यदायुषाम असंभवान मनुष्येषु। बोले ये जो सहस्र संवत्सर है ये तदायुषाम, जिनकी 1000 साल की आयु हो उन्हीं पे लागू होगा। असंभवात मनुष्येषु, मनुष्यों में तो ये संभव नहीं है, इसलिए मनुष्यों के लिए है ही नहीं। सहस्रायुषाम भवितुमर्हति, जिनकी 1000 आयु होती है उनका हो सकता है। कुतः असंभवान मनुष्येषु, मनुष्यों में असंभव होने से। न मनुष्याणाम एतावत आयु विद्यते, मनुष्य की तो ऐसी आयु है नहीं। गंधर्वादयस्तु एतावत आयुष्य इति भवति स्मृति। स्मृति में ऐसा आता है कि गंधर्वादी जो हैं वो इतनी लंबी आयु वाले होते हैं, मनुष्य तो नहीं होते, इनको अलग योनि मान करके कथन किया जाता है। गंधर्वादी वो बहुत सारे बताए जाते हैं, मनुष्येतर, उनके लिए एक है, उसके लिए स्मृति है, साक्षात प्रत्यक्ष नहीं है इनका भी, स्मृति को उद्धृत कर रहे हैं। उपचारो अन्य अर्थ दर्शनम च, और बोले इस विषय में व्यवहार और अन्य अर्थ का दर्शन भी, शास्त्र का वचन भी संगत होता है। कैसे, प्रजापतिम वही प्रजा सृजमानम सृजमानम पापमा मृत्यु अभिजघाना। बोले प्रजापति को, कैसा प्रजापति, सृजमानम प्रजापतिम, इसको बताते बनाते हुए जो बना रहा था ऐसे प्रजापति को, प्रजाओं को बनाने वाले, प्रजा सृजमानम प्रजापति, जनता को प्रजा को बनाते हुए प्रजापति को पापमा मृत्यु, पापी मृत्यु ने मार दिया। यानी संसार की रचना करते हैं तो मृत्यु आएगी। ब्रह्मचर्य ने तपसा देवा मृत्युम अपाग्नता, तो जो ब्रह्मचर्य रहेंगे वो तो मृत्यु को पार कर जाएंगे, उनको तो मृत्यु आएगी नहीं। बाकी जो प्रजापति हैं, संसार का निर्माण करते हैं, प्रजाओं को उत्पन्न करते हैं, उनको तो मृत्यु आएगी। ये जो प्रजापति है ये देव और गंधर्व कोटि में कहे जा रहे हैं, मनुष्य के लिए नहीं कहे जा रहे। अब इसको परमात्मा पे घटाएं या किसी पे भी घटाएं। स तपो अतप्यत सहस्त्र संवत्सरान पापमानम विजिहासन, उसने फिर तप किया और उसने सहस्त्र संवत्सर तक ये तप किया, तो उसने पापमा को, इस मृत्यु को विजिहासन छोड़ दिया, उसने उसको छोड़ दिया, उसको हटा दिया, मार दिया उसको, उसने मृत्यु को हटा दिया, त्याग दिया। अर्थात वो भी अगर ऐसे एक सहस्त्र संवत्सर तपस्या करता है तो मृत्यु को फिर हटा सकता है। विस्पष्टम चेदम सहस्त्र संवत्सरम, 1000 संवत्सर स्पष्ट लिखा है, तस्मात् न मनुष्याणाम इति, इसलिए इसमें मनुष्यों का अधिकार नहीं है। 32वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी द्वितीय है, अपिवा तदधिकारान मनुष्य धर्म स्यात्। बोले नहीं, यहां जो प्रसंग है वो अधिकार तो मनुष्यों का ही चल रहा है, इसलिए मनुष्यों को ही करना चाहिए ये। अपिवा इति पक्ष व्यावृत्ति न गंधर्वादी नाम, गंधर्वादी का नहीं है, मनुष्याणाम एव अधिकार इति। कुतः तदधिकारान, क्योंकि मनुष्य का ही प्रकरण चल रहा है, मनुष्यों को ध्यान में रख करके ही ये सारे कथन किए गए। मनुष्याधिकारम शास्त्रम समधिगतम इति, ये जितने शास्त्र हैं ये मनुष्यों को लेकर के ही हैं, औरों के लिए नहीं है ये।
तेहि शक्नुवन्ति कार्त्स्नेन यथोदितं विधिम उपसंहर्तुमिति। और चूंकि ये मनुष्यों के लिए कहे गए हैं तो वो इसको पूरा का पूरा जैसा कहा गया है वैसी की वैसी पूरी विधि को कर सकने वाले होने चाहिए, जो मनुष्यों पे ही घटेगा। इति आह, इसमें पूर्व पक्षी प्रथम कहता है ननु नैतावत आयुषो मनुष्य, मनुष्य तो इस प्रकार की आयु के होते ही नहीं है, अधिकार भले ही मनुष्यों का हो। तो इसमें वो कहता है उच्चते रसायन रसायन ही आयुर्दीर्घम प्राप्स्यन्ति इति, रसायनों के सेवन से दीर्घायु को प्राप्त कर लेंगे। रसायन जो है वो आयुर्वेद में मिलेंगे, रसायन आयुर्वेद में मिलेंगे जिसमें 100-1000 साल की आयु लिखी हुई है, 500 साल 400 साल 1000 एक कल्प, लंबी लंबी आयु में लिखी हुई हैं वो रसायन, आपको आयुर्वेद के ग्रंथ में चरक में मिल जाएंगे और भी ग्रंथों में मिल जाएंगे। तो कितना बड़ा विज्ञान था, आजकल भी तो बड़ी आयु को बढ़ाने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए, आयु के लक्षणों को रोकने के लिए बहुत उपाय किए जाते हैं, चाहे आंतरिक उपाय करो चाहे बाहर के उपाय करो। जितना मेकअप है वो क्या है, आयु को कम दिखाने के लिए तो है, आयु बड़ी हो जाए तो भी। इसी तरह से कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, उससे भी अभिनेता अभिनेत्री और ये लोग करवाते रहते हैं, उनके पास पैसा है वो करवा सकते हैं, तो वो कम आयु के दिखाई देते हैं, यूं लगता है कि कम है, जैसे कि आयु को जीत लिया। और आयु को बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, औषधियाँ आयुर्वेद में भी थी और आजकल भी हैं, क्योंकि व्यक्ति हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लंबी आयु भोगूं, क्योंकि संसार में सुख दिखाई देता है, जीना चाहता है, आगे तो पता नहीं क्या होगा, तो इसी को जितना लंबा कर सकें करना चाहिए। और सकारात्मक रूप से भी कह सकते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो इसको जितना ज़्यादा चला सकें अच्छा है, इसका जितना अधिक उपयोग कर सकें वो उतना अच्छा है, इसलिए दीर्घायु होनी चाहिए। तो इसके ऊपर दूसरा व्यक्ति कहता है, ये पूर्व पक्षी तृतीय मान लो, प्रथम भी मान सकते हैं, नहीं तो तृतीय मानिए पक्ष निवारण। न असामर्थ्यात्, बोले नहीं रसायनों की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो 1000 साल तक कर सकें। अब ये भारतीय संस्कृति का पोषक नहीं है, देखो पिछला वाला था वो भारतीय संस्कृति का मानने वाला था, जो 1000 साल की आयु को मान रहा था कि हमारे रसायनों में ऐसी शक्ति है, श्रद्धा भक्ति थी, इसकी श्रद्धा नहीं है भारतीय संस्कृति में है। योग का इन्होंने कहा नहीं, ये लौकिक व्यक्तियों का शास्त्र है ना, ये तो रसायनों की बात करते हैं, योग की बात तो योगी लोग करते हैं। तो न असामर्थ्यात, बोले सामर्थ्य नहीं है, न रसायना नाम एतावत सामर्थ्यम दृष्टम, बोले रसायनों का ऐसा सामर्थ्य तो देखा नहीं गया कभी ऐसा। ये न सहस्र संवत्सरम जीवे यो, 1000 साल तक जिए अभी तक तो देखा नहीं है हमने। एतानि ही अग्निर्वर्धकानी, ये जो रसायन है ये क्यों रसायन है, बोले एक तो ये अग्नि के वर्धक होते हैं, भूख बढ़ा देते हैं, पाचन शक्ति अच्छी कर देते हैं। बलि पलितस्य नाशकानी, बलि पलित के यानी झुर्रियां हैं या बाल सफेद हो रहे हैं उसको दूर कर देते हैं। स्वर वर्ण प्रसाद कानी, स्वर को और वर्ण को प्रसन्न कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, यानी आवाज उसकी अच्छी हो जाती है और उसका वर्ण अच्छा हो जाता है, रंग जो है तो तेजस्वी लगता है, युवा लगता है। वृद्धावस्था में स्वर और वर्ण दोनों शिथिल हो जाते हैं। मेधा जननानी, और बुद्धि को ये उत्पन्न करने वाले होते हैं रसायन, बस इतना तो ठीक है ये तो देखा जाता है, लेकिन 1000 साल की आयु तो नहीं देखी जाती। नैतावत आयुषो दात्रिणी दृश्यन्ते, वो इतनी आयु को देने वाले नहीं दिखाई देते ये रसायन। तो इसमें दूसरा बोलता है ननु स्वर वर्ण प्रसादादि दर्शनादेव ज्योग जीवम आप जीवम जीवनम अपि अनुमास्यते, बोले अच्छा चलो ये तो आप स्वीकार कर ही रहे हो कि स्वर्ण वर्ण का प्रसाद आदि का दर्शन तो होता ही है, इसी से ही दीर्घायु को ये प्राप्त करेंगे ऐसा अनुमान कर लेंगे हम। ज्योग का मतलब होता है लंबी या स्थिर आयु, वेद मंत्र में कहता है ज्योगच सूर्यम दृशे, हम दीर्घ काल तक सूर्य को देखते रहे, मतलब दीर्घ काल तक जीते रहे, प्रतीकात्मक कथन है, नेत्र से नेत्र अच्छे रहें और दीर्घ काल तक रहें, ज्योगच सूर्यम दृशे बहुत लंबे समय तक। तो बोले इससे पता लगता है जब ये चीजें अच्छी हो रही है तो ये दीर्घायु को बढ़ाने वाला होगा ही। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है नैति ब्रूमा कुतः शतायुर्वै पुरुष इति अनुवादः,
बोले शतायुर वही पुरुष आयु, मनुष्य तो 100 साल का है, ये कथन मिलता है अनुवाद, तो आप 1000 कैसे लेके जा रहे हो। स एवं जोग जीवने नावकल्पते, वो इस तरह के लंबे जीवन में ये बात नहीं घटती है कि 1000 साल तक जिए, वो 100 साल वाला है दीर्घायु वाला, वहां तक तो घटती है। तो इस पर वो पूर्व पक्षी कहता है अत्रोच्यते शतानी आयु अस्य इति विग्रहीष्याम, बोले शतायु जो शब्द है तो उसमें शत शब्द में बहुवचन लगाएंगे हम, शतानी आयु अस्य इति, तो सैकड़ों वर्ष जिसकी आयु है व्याकरण का जाता था ना और विग्रह में तो कुछ अपने हिसाब से ले सकते हैं, समाज में तो पता नहीं लगता है। तो जैसे कि राजपुरुष, राजा का पुरुष, तो कह कि राजाओं का पुरुष भी कह सकते हैं, दो राजाओं का पुरुष भी कहते हैं, राज्य है राज्य हो राज्य हम कुछ भी लगा लो उसका पुरुष, ऐसे ही यहाँ पर तो शतम कह सकते हैं, शते कह सकते हैं, शतानी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो बोले शतानी आयु अस्यति विग्रही श्याम, तो इस पर दूसरा पूर्व पक्षी जो इस सूत्र वाला है वो कहता है, यानी पूर्व पक्षी तृतीय, कि नैव संख्या शब्दानां समासयिष्यते, संख्या शब्दों का ऐसा समास नहीं देखा जाता है। ये जो शत है ये संख्या शब्द है, उसके लिए अगर दो या बहुत लेना होता तो उसके लिए विशेषण लगाते हैं वहां पर, शत का मतलब 100 ही लिया जाएगा, अनेक 100 नहीं लिए जाएंगे, उनका समास नहीं होता है। आप पुरुष शब्द में या राजा शब्द में तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं कर सकते आप, नहीं वह संख्या शब्दानां समासयिष्यते न च गमकानी भवन्ति, और ऐसे करने पे अर्थ भी पता नहीं लगेगा, उलझ जाओगे। अगर आप कहो भी तो यूं तो कितने संख्यावाची समस्त पद बनेंगे, तो वहां तो उलझ जाओगे आप, अस्त व्यस्तता हो जाएगी, उनसे वो अर्थ निकल के ही नहीं आता है, व्यवहार में ऐसा होता ही नहीं है। द्विवचन बहुवचनांतानां असमास इति च अभियुक्त वचनम, अभियुक्तों का व्याकरण के जानने वालों का यह कथन है कि द्विवचन बहुवचन वालों का समास होता ही नहीं है। अब इसके ऊपर कई टीकाकार कहते हैं कि राज्य है या राज्यो हो राज्याम पुरुषः, ऐसा भी समास नहीं हो सकता है। तो उसके लिए युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि ये तो महाभाष्यकार ने स्पष्ट लिखा ही है कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये लेना चाहिए कि जो संख्यावाची हैं उनके द्विवचन बहुवचन शब्दों का समास नहीं होता, जो बिना संख्यावाची नामवाची हैं व्यक्तिवाची हैं उनके तो द्विवचन बहुवचन वालों का समास हो जाता है, तो उस संदर्भ में लेंगे। लेकिन कई टीकाकारों ने सभी द्विवचन बहुवचन वालों का निषेध किया है, तो इसमें भी और ये अभियुक्तों के कथन में भी युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है कि ऐसा कोई वचन हमारे तो देखने में आया नहीं अभी, तो हो सकता है पहले रहा होगा, पर ये तो मानते हैं कि यहां आप बहुत तो नहीं कर सकते, जाति में एक वचन नहीं मान सकते। अगर कोई कहे कि नहीं बहुतों का समास नहीं होगा, द्विवचन बहुवचन वालों का उनका तो समास निषेध कर लिया, तो चलो एक वचन वालों का तो होगा, तो एक वचन वालों का होगा तो हम ये जाति में बहुवचन मान लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आगे देखिए, नहीं एतावत आयुषा रसायना नाम संबंधो दृष्ट पूर्व, इतनी आयु वाले रसायनों का संबंध नहीं देखा गया है, न च संबंध अदर्शने अनुमानम अस्ति, और संबंध नहीं देखा गया तो इसमें अनुमान भी नहीं कर सकते हो आप। पूर्व पक्षी ने संबंध देखा था ना, पूर्व पक्षी ने कहा था कि मैं अनुमान करूंगा, ये पूर्व पक्षी तृतीय ही है, जो 33वां था ना वही 34वां है, वही बोल रहा है। लेकिन 33वें के भाष्य में पूर्व पक्षी द्वितीय या तो द्वितीय ने ये कह दिया था ना कि जोग जीवनम अनुमास्यते, इससे स्वर्वर्ण आयु ये जब बढ़ते हैं, बलिपलित हटते हैं, अग्नि बढ़ती है, तो इससे हम मान लेंगे कि इससे आयु बढ़ती है, तो इतनी आयु बढ़ जाएगी। उसके उत्तर में उसने कहा था अनुमान कर लेंगे, बोले बिना संबंध के तो अनुमान होता नहीं है, उसमें व्याप्ति तो दिखानी पड़ेगी, संबंध का मतलब है व्याप्ति संबंध। तो बोले न च संबंध अदर्शने अनुमानम अस्ति, बिना व्याप्ति के बिना संबंध के अनुमान होता ही नहीं है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ननु सामान्य तो दृष्टम भविष्यति, बोले सामान्य तो दृष्ट अनुमान ले लेंगे हम, विशेष वाला नहीं है, सामान्य तो दृष्ट ले लेंगे। तो उस पर कहता है कैसे दृश्यन्ते तावत अल्पस्य स्थिर भावस्य कारकाणी, बोले ये तो देखा ही जाता है कि अल्प के स्थिर भाव को करने वाले देखे जाते हैं, स्थिर भाव मतलब दीर्घ काल तक करने वाले, ये तो देखे ही जाते हैं। तो दीर्घ काल तक सामान्य रूप से थोड़ा दीर्घ काल देखा जाता है, तो अधिक दीर्घ काल भी हो सकता है, ऐसा हम सामान्य तो दृष्टि से कर लेंगे। क्योंकि अगर पूर्वत शेषवत अगर अनुमान लेते
तब तो ये होना था कि जैसे उसने इन औषधियों का रसायनों का प्रयोग किया था और वो 1000 साल का हुआ था, ऐसे ये भी प्रयोग कर रहा है तो ये भी 1000 साल का हो जाएगा। ये तो पूर्वत आदि की तरह से होता, लेकिन जो सामान्य तो दृष्ट है उसमें तो सीधे सीधे जू का तू तो देखा नहीं जाता है, वहां कुछ थोड़ा संकेत वहां पर मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि ये थोड़े से को अधिक आयु वाले देखे जाते हैं तो ऐसे यहां पर होगा। एवं अभ्यस्यमानानि वीर्यवत्तमानि स्थिर शरीरताम उत्पादयिष्यन्ति, ऐसा बार बार करते करते ये वीर्यवत्तम होते हुए बहुत बल देते हुए स्थिर शरीर को यानी 1000 साल की आयु को कर देंगे। ये शतायु पुरुष इति सत्यपि वचने अधिकम जीवनम दृश्यते एव, और बोले जो आपने कहा था कि शतायु वही पुरुष, तो बोले जीवन तो 100 साल से ज्यादा भी देखा जाता है, 125 साल 150 साल के या तो 400 साल तक के तो देखे जाते हैं, तो इसलिए वो कोई वचन आपका प्रमाण नहीं है कि 100 साल के ही होते हैं, कि आप उससे सोचो कि उससे आगे हो ही नहीं सकते, अधिक देखे जाते हैं, तो उसको खंडित कर दिया। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अत्रोच्यते, बोले नायम एकांत, बोले ये कोई सिद्धांत नहीं बनेगा, एक पक्षी सिद्ध चीज नहीं है। क्या कि कदाचित याम च यावंतीम च शरीर स्थिरताम उत्पादयेयु, बोले कदाचित माने कभी हो सकता है कि जिस किसी, कदाचित याम च याम जिसको या जितनी शरीर की स्थिरता को, जिस तरह की या जितनी स्थिरता को ये उत्पन्न कर दें, न द्राघिष्ठ कलाम अल्पविराम, लेकिन बहुत लंबे काल को ये उत्पन्न कर दें ऐसा नहीं देखा जाता है। यथा द्राघिष्ठ कलाम, हाँ द्राघिष्ठ कलाम बहुत बहुत लंबी, सबसे लंबी आयु ऐसा नहीं देखा जाता। उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्रक्रमंतो प्रक्रमंतो अभ्यासात प्रक्रमाणाम वृद्धिर याम च यावंतीम च मात्रम प्राप्नुवंती, जैसे कोई चलता हुआ चलने का अभ्यास करते करते और उतने पैरों की दूरी को एक पैर और दूसरे उसको बढ़ाते हुए जितनी भी मात्रा को वो बढ़ा ले, अगर अभ्यास करेगा तो बड़े बड़े कदम रख सकता है ना, कोई व्यक्ति तेजी से चल सकता है, बड़े कदम रख सकता है या छलांग लगा सकता है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि यहाँ छलांग अर्थ ज्यादा संगत है, कि जैसे खिलाड़ी लगाते हैं ना, सामान्य व्यक्ति थोड़ी छलांग लगाता है, फिर वो अभ्यास करते 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 बहुत दूर तक छलांग लगाने लगते हैं, यहां तात्पर्य चलने से दृष्टि से पर छलांग में भी लगा सकते हैं, तो वो कितना भी अभ्यास कर ले, न तू अभ्यसंत पुरुषायुषे नापि योजन मात्राम प्रक्रमेयु हो, वो पूरी जिंदगी अभ्यास कर ले लेकिन एक योजन जितना छलांग नहीं लगा सकता, या एक योजन जितने दो पैर नहीं रख सकता। वो एक योजन मतलब या तो दो कोस है या चार कोस है, अलग अलग है, चार मील है, आठ मील है, जितनी भी मात्रा है, लेकिन कितना भी अभ्यास कर ले वो एक डग को एक किलोमीटर या एक मील तक तो कर ही नहीं सकता, असंभव है वो। पूर्व पक्षी ने तो सामान्य तो दृष्टि ये दिया ना कि थोड़ा बढ़ाते हैं तो ये उतना भी बढ़ा सकते हैं। हम किसी ने तीन रोटी खाई तो बोले आधी रोटी और खा सकते हो, बोले हाँ खा सकता हूँ, तो उसका ये मतलब है कि और आधी रोटी खा लेगा, चलो वो भी खा ली, फिर और खा लेगा, चार खा ली तो साढ़े चार और पांच और फिर दस तक पहुंच जाएगा, सौ तक पहुंच सकता है, असंभव है, पहुंचेगा ही नहीं। थोड़ी बढ़ रही है इसका ये मतलब नहीं है कि वो इतनी बढ़ करके उतनी हो जाएगी, तो सामान्य तो दृष्टि का खंडन किया है, ऐसे सामान्य तो दृष्टि अनुमान नहीं लगेगा। एवं यहापि संबंधाभावात सहस्र आयुष्त्वं प्राप्नुयुर नवायति संदिग्धम, इसलिए यहां पर भी चूंकि संबंध का अभाव है, व्याप्ति का अभाव है, इसलिए वो 1000 साल की आयु को प्राप्त करें या ना करें ये तो संदिग्ध है, निश्चित नहीं कहा जा सकता। संदिग्धम चेत सामान्य तो दृष्टम न प्रमाणम, और ये संदिग्ध है तो सामान्य तो दृष्ट प्रमाण नहीं बनेगा। अब देखो इसने ये खंडन नहीं किया सीधे सीधे कि 1000 साल तो बढ़ ही नहीं सकती है, कहा कह रहा है लेकिन आकर के क्या कहा कि 1000 साल की जो आप आयु कह रहे हो वो संदिग्ध है, सीधे खंडन नहीं किया कि 1000 साल की आयु तो हो ही नहीं सकती, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो इतने मात्र से ही खंडित कर देगा कि 1000 साल की आयु संदिग्ध है, और जो संदिग्ध है उसके आधार पर आप सामान्य तो दृष्ट अनुमान कर नहीं सकते हो, तो आपका अनुमान ही निरस्त हो गया, तो अपने आप इतने से ही खंडित हो गया। अब अलग हम कहें कि नहीं 1000 तो हो ही नहीं सकती, फिर उस पर अड़ करके चर्चा करते रहें, उसको संदिग्ध कोटि में उसको व्यभिचारी बना दिया, उसके प्रमाण को बस खंडित कर दिया, अपनी कोई बात नहीं कही प्रमाणित करने के लिए, उसके प्रमाण को खंडित कर दिया, बस इतने से ही वो पक्ष चला गया। और संदिग्धम चेत सामान्य तो दृष्टम न प्रमाणम न च अदृष्टो अर्थ प्रमाणम अंतरे न शक्यो अभ्युपगंतुम,
और जो अदृष्ट अर्थ है वो बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं किया जा सकता। तस्मात असंशयम, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है, नहीं तावत आयुषा संति इति, इस प्रकार की आयु वाले इतनी आयु वाले होते हैं, इतनी आयु वाले नहीं होते, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। पुरुष वचने न उक्तम, और ये पुरुष वचने न उक्तम, और मनुष्य का अधिकार तो यहां पर फिर भी हम मानेंगे ही। इसमें पाठ भेद है, नीचे लिखा है संति इति पुरुष वचने चोक्तम, और संति इति यहां पूर्ण विराम में भी पाठ भेद है, यहां तो पूर्ण विराम नहीं है, नीचे भी पूर्ण विराम नहीं है, लेकिन मीमांसा कोश में यहां पूर्ण विराम लगा रखा है, संति इति के बाद पूर्ण विराम है। पुरुष वचने नोक्तम या पुरुष वचने चोक्तम, दोनों तरह पाठ भेद हैं। रामायण में ऐसा सुनते हैं ना कि राम ने कितने हजार साल शासन किया, 40,000 वर्ष पर्यंत शासन किया, ऐसा कहा जाता है 40,000 साल, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, या तो कितने 11,000, आपको इसने सुना है 11,000, मतलब हजारों साल का वहां कुछ वर्णन आता है। तो बोलते हैं कि कथम तरही थी, फिर ये कैसे होगा, तो वही पूर्व पक्षी तृतीय बोलता है, सकुल कल्प से आदि थी काष्ठना जिनी एकस्मिन असंभवात, बोले कुल कुल के स्वरूप में हो जाएगा, एक व्यक्ति नहीं, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी करते 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 कई वंशज उसको पूरा कर सकते हैं, ऐसा काष्ठना जी नहीं मानते हैं, क्योंकि एकस्मिन असंभवात, एक में तो ये संभव नहीं है, यानी 1,000 साल भी करने हैं, पुरुष का धर्म भी मानना है, पुरुष का ही मानना है, तो बोले ये कुल की रीति से हो जाएगा। सब मनुष्याधिकार पक्षे कुल कल्पो भविष्यति इत्येवं काष्ठना जी ने आचार्य मान्यते, इसमें तो मनुष्याधिकार पक्ष में ये कुल कल्प हो जाएगा ऐसा मानते हैं, कुतः एकस्मिन असंभवात, एक में संभव न होने से, पुरुषाणाम इदम अनुशासनम, ये शासन तो पुरुषों का ही है, पुरुषों के लिए ही बता रहे हैं, न चैतत एक शक्नोति पारयितुम, और अकेला कोई इसको कर नहीं सकता है, यथा शक्यते जैसे संभव हो, तथा पारयितव्यमिति गम्यते वैसे ही कर लेना चाहिए, बहु शक्नुवन्तः प्रवर्तेरन, बहुत सारे जो करते हुए हैं, जो कर सकते हैं, करने में समर्थ हैं, वो इसमें प्रवृत्त हों, अन्येपि तत्कुलीना अन्येन आरब्धम समापयेयुः, और अन्य भी जो उनके कुल वाले हैं वो अन्य के द्वारा आरंभ किए हुए को समाप्त करें। 36वां सूत्र, इस पे अब पूर्व पक्षी चौथा पूर्व पक्षी बोल रहा है, एक दो तो खंडित हो गए और तीसरे को खंडित करने के लिए चौथा पूर्व पक्षी बोल रहा है, अपिवा कृष्ण संयोगात एकस्यैव प्रयोगस्यात्, बोले इसमें कर्म में तो कृष्ण का संयोग होना चाहिए उस कर्ता के साथ में, इसलिए एक ही के द्वारा होना चाहिए, अरे कुल वाली बात आपकी ठीक नहीं है, क्यों, शास्त्र फलम ही प्रयोक्तरी, शास्त्र का फल है वो प्रयोक्ता को ही मिलता है, वो एक है, इति समधिगतम, ये हम पहले निश्चय कर चुके हैं, यश्च कार्ष्णेन विधिम उपसंहर्तुम समर्थ सैव अधिक्रियते इति, जो पूरी तरह कर्म को कर सके उसी को अधिकृत किया जाता है, वही अधिकारी होता है, तस्मात् न कुल कल्पो अवकल्पते, इसलिए कुल का कल्प तो यहां पर संगत नहीं लगेगा। तो गुरु पक्षी तृतीय पूछता है कथम तरही, तो ये कहता है चौथा, संप्रदाय मात्रेण धर्म इत्यधिवसीयते, बोले संप्रदाय मात्र से यहां धर्म समझना चाहिए, ये कुछ इस तरह भी कहना चाहता है कि कुल में तो सब योग्य होते भी नहीं है, अगर आप कुल को देखो तो जरूरी थोड़ा है कि बाद वाले उसी तरह के योग्य बने, बोले संप्रदाय में हो सकता है कि जो इसको पढ़ने लिखने वाले हैं, एक ने शुरू किया, अब कोई दूसरा जानकार व्यक्ति इसको करे, कुल की बात हटा दो, तो एवं श्रूयते, तो संप्रदाय मात्रेण धर्म इत्यधिवसीयते, एवं श्रूयते स्वाध्यायो अध्येतव्य इति, बोले स्वाध्याय करना चाहिए, अपने अपने शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। यहां पर स्वाध्याय में जो स्व शब्द आता है ना, तो अपने अपने संप्रदाय के वेद का अध्ययन करना चाहिए, यह तात्पर्य लिया जाता है, स्व का मतलब है स्व संप्रदाय, जिससे वो पूछता है, एवं तरही एतत अध्यवसेयम वचन प्रामाण्यात एतत कर्म कुर्वताम आयुर्वर्धते इति, तो बोले फिर तो यहां पर यह समझना चाहिए कि वचन के प्रमाण से इस कर्म को जो करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है, वैसे तो आयु नहीं होती, लेकिन पुरुषों को करना है, कुल का करना नहीं है,
तो जो इस कर्म को करेगा, शास्त्र का वचन है कि वो 1000 साल तक करे, 1000 सहस्त्र संवत्सर, तो इसको करने वालों की आयु बढ़ जाती होगी, फिर रसायन से नहीं बढ़ती होगी, इस कर्म को करने वालों की आयु बढ़ जाती होगी, तो 1000 साल तक हो जाएगा। तो ऐसा हो तो बोले तच्चना प्रमाणाभावात्, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, न ही एतस्मिन अर्थे वाक्यम अन्यत् प्रमाणम अस्ति, इसमें ना तो वाक्य है ना कोई प्रमाण है। इस पर पूर्व वाला पूर्व पक्षी कहता है ननु अर्थापत्ति, अर्थापत्ति तो है, अन्यथा अनर्थक क्यों भविष्यति, नहीं तो इस वाक्य की अनर्थकता हो जाएगी, तो अर्थापत्ति तो निकालनी पड़ेगी हमारे को। सिद्धांती चौथा बोलता है न अनर्थक्यम, बोले नहीं इसमें कोई अनर्थकता नहीं है, अध्ययनादेव च अदृष्टम भविष्यति, हम ये मानते हैं कि अध्ययन से ही यहां पर अदृष्ट हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। जो सहस्त्र संवत्सर वाला जो याग है, विश्व सृजामयन, इसके अध्ययन से ही अदृष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। संप्रदाय वालों का है, जो इसको जानते हैं पढ़ते हैं, बस इसको पढ़ लो वो फल मिल जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किया तो जा नहीं सकता है, तो पढ़ लो उसको केवल। अध्ययनादेव अदृष्टम भविष्यति तथा ही सामान्य न अदृष्टम कल्पयितुम लगी, ये जो है सामान्य रूप से जो अदृष्ट की कल्पना है ये लघु है, न तो कर्मणा आयुर्वर्धत इति विशेष अदृष्ट कल्पना। आप या तो ये मानो कि कर्म करते हुए आयु बढ़ जाती है, इसमें आप अदृष्ट की कल्पना कर रहे हो, देखा तो जाता नहीं है, बोले तो विशेष अदृष्टि की कल्पना, इसमें गौरव है, इसकी बजाय ये सरल है कि इसको पढ़ते हुए अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है। कल्पना तो यहां पर भी है लेकिन उसको लघु है, इसको कर सकते हैं आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। अथवा दूसरा कह रहे हैं, अथवा अनर्थक्यम एव अभ्युपगम्येत कामम, बोले ठीक है इसकी वाक्य की अनर्थकता होती है तो अनर्थकता हो जाने दो, ये भी एक पक्ष है। न अयुक्ति फल कल्पनम, लेकिन अयुक्ति फल की कल्पना तो नहीं करूंगा, वाक्य जाता है तो जाने दो, अब वाक्य को बचाने के लिए आप अयुक्ति युक्त फल की कल्पना करोगे वो तो ठीक नहीं है। अथा उच्चेता, ऐसे में अगर कोई कहे, पूर्व पक्षी कहे, अथा उच्चेता ऐसे में यदि वो कहे कि अर्ध तृतीयानी शतानी दीक्षिष्यन्ते, अर्ध तृतीयानी शतानी, 200 तो पूरे कर लिए, 100 और 100, तीसरा जो 100 है वो आधा किया, यानी 250, 250, तो अर्ध तृतीयानी शतानी दीक्षिष्यन्ते, बोले 250 लोगों को दीक्षा दिलवा देंगे। अभी तक एक व्यक्ति की बात थी ना, एक सहस्त्र संवत्सर करना है तो 250 लोगों को दीक्षा करा देंगे, और चतुर्भिर वर्ष ही समाप्त थे, 4 साल में समाप्त हो जाए, कुल मिला के 1000 साल हो गए ना, 250 लोग एक साथ करेंगे तो 4 साल में हो जाएगा, वो गणित का अच्छा प्रयोग बताया। एवं अपि नियत परिमाणम हीयते, तो पूर्व पक्षी चौथा जो 36वें सूत्र वाला है, बोले ऐसा करोगे तो भी जो निश्चित परिमाण है उसकी हानि तो आपको करनी पड़ेगी, आपने 1000 संवत्सर क्या तो परिमाण ले लिया, लेकिन ऋत्विक की संख्या क्या बता रखी है, चतुर्विंशति परमा सप्तदशावरा सत्रम आसीनन, अधिकतम 24 और कम से कम 17, ये सत्र को करें, तो यहाँ तो आप 250 ले रहे हो, ये संख्या परिमाण गलत हो रहा है। तो वचनस्य तु अनर्थक्य परिहाराय परिमाणम हापयिष्यते इति चेत् तदयुक्तम, और अगर वो कहे कि भाई वचन की अनर्थकता न हो जाए इसलिए परिमाण की को हम छोड़ देंगे, तो बोले ये कथन ठीक नहीं है। परिमाण कौन सा, ये 24 और 17 वाला परिमाण, 250 ले लेंगे, क्योंकि उस वचन को हमें सार्थक करना है, वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, तो बोले ये ठीक नहीं है। क्यों, अध्ययनात् फलम अस्ति, बोले हम ये मान लेंगे ना अध्ययन से ही फल हो जाएगा, जब अध्ययन से फल हो जाएगा तो वचन भी सार्थक हो रहा है, और ये 24 और 17 संख्या को भी आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, कल्पना ही तो करनी है और उसमें गौरव भी कम है, तो मान लेंगे अध्ययन से ही ये फल हो जाएगा। तस्मात नैषा कल्पना इति, इसलिए जो आपने 250 की कल्पना की है वो ठीक नहीं है। कथम तरही, बोले फिर कैसे होगा ये एवं, तो वही पूर्व पक्षी चौथा ही बोल रहा है, जो 36वें सूत्र वाला है वही बोल रहा है 37वें, बोले अन्यतरो अत्र गौण शब्द स्यात्, इन दोनों में से कोई एक शब्द हम गौण कर लेंगे, कौन सा, यदि वह असंवत्सरे संवत्सर शब्द, ये जो संवत्सर शब्द है वो संवत्सर में नहीं असंवत्सर अर्थ में घटा लेंगे इसको, यदि वह
ये पहला पक्ष रखा जा रहा है। यदि वह असंवत्सर है, संवत्सर शब्द, संवत्सर शब्द वैसे तो साल के लिए है, तो साल में न होकर के किसी और अर्थ में ले लेंगे इस संवत्सर शब्द को, एक उपाय। दूसरा, यदि वह पंच पंचाशत इति शब्दो गौणो इति, अथवा ये जो पंच पंचाशत शब्द है इसको गौण मान लेंगे। ये जो हमारा मूल विषय वाक्य था ना, उसमें देखिए पृष्ठ संख्या 1972 पर पंच पंचशतास्त्रिवृत संवत्सरा, ये जो सारे वचन हैं, तो बोले इनमें से किसी एक को गौण मान लो, या तो संवत्सर शब्द को गौण मान लो तो उसका कुछ और अर्थ ले लो तो भी चल जाएगा, अथवा ये जो 250 लिखा हुआ है इसको गौण मान लो, किसी एक को गौण मान करके संगति लगा लो। तो यदि वह पंच पंचाशत इति शब्द गौण इति कुतः एतत् विप्रतिषेधात्, आपस में विरोध आने के कारण से, विप्रतिषेधो ही भवति उभयस्मिन् विहिते, अगर दोनों का विधान यथावत मानेंगे तो विरोध आएगा। कथम वाक्यम ही विद्येता, ऐसे में फिर दो वाक्य मानने पड़ेंगे, इसका भी विधान मानना पड़ेगा संवत्सर का, और वो 250 का भी मानना पड़ेगा। वाक्यम ही विद्येता, यदि उसको खोल के बता रहे हैं वाक्य भेद कैसे होगा, यदि पंच पंचाशत त्रिवृत न संवत्सरा, यदि 250 त्रिवृत को कहा जा रहा है तो संवत्सर को नहीं कहा जाएगा, त्रिवृत मतलब त्रिवृत की विधि की रही, अतः संवत्सरा त्रिवृत, अगर संवत्सर त्रिवृत है विधि है तो न पंच पंचाशत, तो फिर 250 की विधि नहीं हो सकती। तस्मात विरोधात अन्यतरत वचनम गौणम इति लाभुकायन आचार्यो मान्यते इसमें, तो लाभुकायन आचार्य ये मानते थे इसमें से किसी एक को गौण कर देंगे। आचार्य ग्रहणम पूजार्थम, आचार्य का ग्रहण यहाँ पर पूजा के लिए है, न आत्मीय मत प्रतिषेधार्थम, अपने मत के प्रतिषेध के लिए नहीं है। ये हमने देख लिया था सूत्र, विप्रतिषेधात् गुणी अन्यतरह स्यात् इति लाभुकायना, लाभुकायन के मत में कि विप्रतिषेध होने से कोई एक को हम गुण कर लेंगे, गौण रूप से अर्थ लेके करेंगे। आगे एतत् उक्तम अन्यतरत वचनम गौणम इति, आपने ये कहा कि कोई सा एक वचन गौण कर लेंगे, तद अवधारयितव्यम, उसमें ये निर्धारण करना चाहिए कि कौन से वचन को गौण करेंगे, यानी एक वचन को गौण तो करना पड़ेगा, कौन से वचन को गौण करेंगे, तदुच्यते। तो 38वां सूत्र है संवत्सरो विचालित्वात्, बोले संवत्सर को हम गौण कर देंगे, क्यों, कि संवत्सर शब्द विचाली है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, संवत्सर शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, 360 दिन का भी होता है और 365 से ज्यादा का भी होता है, तो संवत्सर शब्द के बहुत सारे अलग अलग अर्थ होते हैं, इसलिए विचाली है, कोई निश्चित नहीं है, तो ठीक है इसको बदल देंगे, जो बदलता ही है उसको बदल देंगे। जो गाड़ी अधिक देर से चल रही है तो अगर देर करनी होगी तो उसी को और देर कर देंगे, वो तो देर से चलती ही है, पता है कि ये देर से चलती है, तो ऊंचा नीचा करना हो तो उसी को करेंगे, और जो ठीक चलती है उसको नहीं छेड़ेंगे। संवत्सर विचालित, संवत्सर वचनम गौणमिति कुतः विचालित्वात्, विचाली ही संवत्सर शब्द, संवत्सर शब्द विचाली है, कैसे, सावनोपि गणित दिवस कह, सावन ये वर्ष का नाम है, ये गणित दिवस वाला है, ये सावन संवत्सर को युधिष्ठिर जी ने नीचे 360 दिन का कहा है, और 100 वर्ष तो ज्यादा का होता है, और 24 पक्षों का चांद्र संवत्सर होता है, चंद्रमा जो संवत्सर होता है वो 24 पक्षों का होता है, 24 पक्ष मतलब 12 महीने, एक महीने में दो पक्ष होते हैं वो मिला करके, शीतोष्ण वर्षा लक्षणों भी, और सर्दी गर्मी वर्षा इन लक्षणों वाला भी वर्ष होता है, कि हमने किसी ऋतु के अनुसार से प्रारंभ किया, यदि ऋतु के लक्षण जल्दी समाप्त हो गए, नई ऋतु जल्दी आ गई तो सोच लेते हैं यहां वर्ष पूरा हो गया, वैसे गणना नहीं कर रहे, एक सामान्य व्यक्ति ऋतु के अनुसार कर लेता है ना, भाई वसंत ऋतु आई वर्ष का प्रारंभ हो गया, सर्दी ऋतु शरद तब शिशिर, ठंडी गई भाई साल समाप्त हो गया, ऐसा मान करके कर सकता है, अब वो चाहे 10-15 दिन आगे हो या पीछे हो फिर भी वर्ष की समाप्ति समझी जा सकती है। जैसे कि दिन के संदर्भ में हम दिन को कैसा मानते हैं, या तो 12-12 घंटे का मानेंगे, दूसरा तरीका क्या है, जैसे ही सूर्योदय हो गया दिन मान लिया, सूर्यास्त हो गया समाप्ति हो गई, उसमें कितने घंटे का होता है वो सब विवेचना करने की जरूरत नहीं है, लक्षणों के आधार पर, ऐसे ही ऋतुओं के लक्षणों के आधार पर वर्ष का कथन मान लेंगे। चंद्रमसोपी अतः चंद्रमा के अनुसार भी होता है, स एवं लक्षणों को अनुवाद शक्यते कल्पयितुम,
जो इस प्रकार का है उसको अनुवाद ही मानना चाहिए, और अनुवाद है तो वो गौण हो सकता है। पंच पंचाशत इति अयम तो व्यक्त परिमाणस्य अर्थस्य वाचका एकेन अपि ऊने न भवति। और ये जो पंच पंचाशत शब्द है ये तो व्यक्त परिमाण वाला है अर्थ का वाचक, व्यक्त परिमाण वाले अर्थ का वाचक, नहीं इतना ही है, इसमें एक भी कम या एक भी अधिक नहीं चल सकता है। 250 मतलब 250, इसलिए इसको नहीं बदल सकते, इसको गौण नहीं बना सकते। संवत्सर शब्द को हम गौण बना सकते हैं। 39वां सूत्र, अब उसमें और बता रहे हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो सा प्रकृति स्याद अधिकारात, पूर्व पक्षी है ये भी, इसमें मीमांसा कोश में मां शब्द आगे जुड़ा हुआ है, मासा मास महीने की प्रकृति वाला होना चाहिए। सूत्र क्या है, मासा प्रकृति स्याद अधिकारात, एक संवत्सर का मतलब एक महीना ले लेंगे। भाष्य गवा महीने मासा प्रकृता, गवा महीन में महीने प्रकृत हैं, मासे शुच संवत्सर शब्द है उगता, और महीनों के प्रसंग में ही वहां पर संवत्सर शब्द कहा गया। तो यो मासा सत संवत्सर आई थी, जो महीना है बस उसी को ही संवत्सर कहते हैं। तस्मात पंच पंचाशतो मासा आई थी, इसलिए 250 महीने 250 महीने ऐसे करके 1000 महीने, तो सरल हो गया ना। अब तो 1000 महीने अगर हो तो उसको 12 से गुणा कर भाग कर देंगे तो ये बनेगा 83.33, 84 वर्ष बैठेगा। 1000 महीने, 1000 संवत्सर मतलब 1000 महीने, तो वास्तव में वर्ष कितने हुए तो 12 महीने, 12 का भाग दे देंगे तो 83.33 वर्ष इसमें आएंगे। अब इतनी तो मनुष्य की आयु हो सकती है, एक संभावना बताइए। तो तस्मात पंच पंचाशतो मासा इति, इस पर पूर्व पक्षी कहता है दूसरा, ननु एतस्मिन् पक्षे सहस्र संवत्सर शब्दो नावकल्पते, भले इसमें आप ले तो लोगे लेकिन सहस्र संवत्सर जो संवत्सर है वो शब्द तो यहां पर घटता नहीं है। तो इस पर ये सिद्धांत पूर्व पक्षी चौथा कहता है, उच्चते नामधेयम् एतत् सहस्र संवत्सर शब्द इति अल्पविराम न गुण विधि, बोले जो सहस्र संवत्सर ये नाम है, ये गुण की विधि नहीं है, इसमें 1000 साल होने चाहिए। ये नाम है, नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है, भाई नाम रखा गया है वैसा ही वहां अनवर्थता हो ये तो कोई आवश्यक नहीं है। नाम है बस सहस्र संवत्सर, अगर ये गुण शब्द होता अनवर्थक होता तो आप 1000 साल जोड़ते, ये तो केवल नाम है। तो नामधेयम् एतत् सहस्र संवत्सर शब्द इति न गुण विधि, नामधेयम् च न विधीयते, और नामधेय का तो विधान होता नहीं, वो तो जो कतु है। अविधीयमानम् च येन केनचित् गुणेन अवकल्पिष्यते, और जब इसका विधान नहीं हो रहा है सहस्र संवत्सर का तो जिस किसी भी गुण के साथ वो संगत होता है, जैसे कि यहां पर इन्होंने महीने का लगाया तो बोले वैसा ही ये हो जाएगा, मान लेना चाहिए। आगे अब इस पे सिद्धांती कहता है, नहीं शोपि पक्षो युज्यते, बोले ये पक्ष भी ठीक नहीं है। अत्रापि ही स एव दोषः, यहां भी वही दोष आएगा। क्या, न तावत् जीवनम् अस्ति, बोले इतना भी जीवन नहीं है। वो तो 100 साल कहा था लेकिन ये 84 साल का भी कह रहा है उतना जीवन नहीं है। कैसा जीवन, बोले यावता एतत् अवकल्पेता, जितने साल में ये पूरा हो जाए, भाई इतने साल तो याग करने के लिए चाहिए, ये कोई इतनी आयु हो उतने मात्र से थोड़ा ना हो जाएगा, ये इतने काल तो याग करने के लिए चाहिए। बोले दारा अग्निकाल सोम पूरत्व अपेक्षया इति, दारा मतलब दान कर्म, विवाह, विवाह से पहले तो ये करेगा नहीं, विवाह के बाद ही तो अग्निदान करेगा और फिर आहिताग्नि होगा फिर करेगा। तो दारा अग्निकाल अग्नि को लेगा, और सोम पूर्वतम सोमयाग भी पहले उसको करना चाहिए, दशपूर्ण मासेष्टि करेगा, सोमयाग करेगा, उसके बाद में इसको करेगा तो नहीं कर सकता। तेना एतस्मिंश्च क्रियमाणे अपरिसमाप्ते एव अस्य आयु पर्युपयुक्तम स्यात्, तो अगर वो ऐसा करे भी तो करते हुए ये कर्म तो समाप्त होगा नहीं लेकिन उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। तथा च अध्ययनाद एव अधिष्टम कल्पेता, तो उसमें तो फिर अध्ययन से ही कल्पित करना पड़ेगा ये जो कि अनिष्ट होगा। अगर आप ये मानोगे ये महीने का तो संगत होगा नहीं, तो फिर आपको तो वही मानना पड़ेगा कि अध्ययन से अदृष्ट होता है पहले वाला, वो ठीक नहीं है। एवं तरही
हाँ तथा च अध्ययनात एव अदृष्ट कल्पेत, अर्थात यदि आप अध्ययन से ही ये साल गिनते जाओगे तो फिर अदृष्ट की कल्पित करना पड़ेगा, क्योंकि क्या यदि अध्ययन से ही आप गिनती शुरू करोगे 83 जो वर्ष है, क्योंकि दार काल के बाद ही आप आप सोम कर्म कर सकते हैं, याग कर्म कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना होने पर यदि अध्ययन काल से ही ये जो गिनती करोगे जो याग का काल, वो अदृष्ट मानना पड़ेगा, उसमें अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। क्यों अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी? क्योंकि सामान्यतः गृहस्थी बनने के बाद ही याग करने का अधिकार है, ऐसा ना संभव होता हुआ दिखते हुए ये लक्षण से ठीक है, वो एक अर्थ आप कर सकते हो। इसमें है अध्ययन मात्र से अदृष्ट की कल्पना। देखो इसके लिए 1980 पृष्ठ, 80वां पृष्ठ देखो, इसमें 36वें सूत्र में भाष्य की नीचे से चौथी पंक्ति बीच में, अध्ययन आदेव अदृष्टम भविष्यति, अध्ययन से ही अदृष्ट हो जाएगा, ये उसकी तरफ संकेत है। आपको उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, ये दोष बताया जा रहा है, क्योंकि ये इसी का चौथे वाले का पक्ष था, वो अध्ययन से हो जाएगा, तो बोले आपको अदृष्ट मानना पड़ेगा, अदृष्ट की कल्पना ही दोष आएगा। एवं तरही ऐसा होने पर द्वादशाह प्रकृति रीति पंच पंचादशो द्वादशाह भविष्यन्ति इति। अब इसको आप चाहे तो चौथा पूर्व पक्षी मानो या पांचवा मान लो, एक नई बात कह रहा है। बोले इसकी प्रकृति है द्वादशाह, तो यहां पर पंच पंचाशतो का मतलब हुआ यहां पर द्वादशाह हो जाएंगे, द्वादशाह को यहां पर मान लेंगे, इसको 55 द्वादशाह मान लेंगे। 55 द्वादशाह एक अर्थ है, ये तो ठीक नहीं है। पंच पंचाशत का मतलब होता है 250, और द्वादशाह मतलब ये 12 हो जाएंगे, तो 250 को 12 से गुणा करेंगे तो 3000 दिन बनेंगे, 250 को 12 से गुणा करेंगे तो 3000 दिन बनेंगे, और 3000 को 360 से यानी वर्ष के दिनों से भाग देंगे तो 8.33 वर्ष बनेंगे, 8.33 वर्ष। और चूंकि ये 250 है, 1000 तक करना है, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये 33.3 वर्ष बनेगा, 33.3 वर्ष बनेगा। इसको आप दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि यहाँ पर 250 द्वादशाह हैं, ऐसे 250 चार बार थे, तो यूँ कह सकते हैं 1000 द्वादशाह होंगे, 12 दिन वाले 1000, तो कितने दिन हो गए, 12000 दिन हो गए। 12000 को 360 से गुणा कर भाग कर दे दो तो 33.33 वर्ष आएंगे। बोले इतने साल में पूरा कर लेंगे, ये भी एक संगति है, तो सिद्धांति कहता है नहीं, वम तत्र संवत्सर शब्द से साक्षात प्रतिमा शब्देन संयोगात। बोले यहाँ पर ये ठीक नहीं है, क्योंकि संवत्सर शब्द साक्षात उपमा के रूप में, प्रतिमा के रूप में संयुक्त तो होगा, वर्ष घटना चाहिए। अपिच पंच पंचाशत त्रिवृत इत्युक्तम, और साथ में यहाँ पर पंच पंचाशत त्रिवृत कहा गया है, त्रिवृत शब्दश्च द्वादशाहे दिवसे दृष्टः, और त्रिवृत शब्द जो है वो द्वादशाह के दिन में केवल देखा जाता है, न द्वादश रात्रे, द्वादश के रात्रि में नहीं देखा जाता है, इन्होंने दिन रात लगा करके किया है। तस्मात् नेदं भविष्यति द्वादशाहे संवत्सर शब्द, द्वादशाह में 12 दिन में संवत्सर शब्द नहीं कट सकता। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 40वां सूत्र, अहानि वा अभिसंख्यत्वात्। बोले यहां पर दिन का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उस तरह का वर्णन भी मिलता है। अभिसंख्य मतलब अभिसंख्यत्वात मतलब गणना करने योग्य, त्रिवृत के जो दिन है उनकी गणना की जा सकती है। वह शब्द पक्षम व्यावर्तते न चैतदस्ति पंच पंचदशतो द्वादश रात्रा इति, हानि एव त्रिवृत शब्देन आख्यायन्ते, पंच इतनी रात्रियां नहीं होंगी, वो दिन ही होंगे। तस्मात् अहसु संवत्सर शब्द, दिन में ही संवत्सर शब्द यहाँ पर समझा जाएगा। अथवा दूसरा कह रहे हैं वह शब्द पक्षम व्यावर्तयति न पंच पंचाशतो मासः, 250 महीने नहीं, किम तरही दिवसाह दिन लेंगे यहाँ पर, द्वादशाह त्रिवृत अह प्रकृतम, क्योंकि द्वादशाह में त्रिवृत अह प्रकृत चल रहा था, वहां पर दिन ही आ रहा था, द्वादशाह इसकी प्रकृति है, तो वहां पर दिन ही प्रचलित चल रहा था।
तत्र संवत्सर शब्द दृश्यते, और वहां पर अह के अर्थ में संवत्सर शब्द का प्रयोग किया गया है। वचन क्या है? आदित्यो वास सर्वम सर्व ऋतवः सर्वे ऋतवः, आदित्य जो है वो सब ऋतुएं हैं। स यद एव उदेति अथा वसंतो, जब सूर्य उगता है तो वसंत ऋतु आ गई। यदा संगवो और ऊपर आता है तो ग्रीष्म हो जाती है। यदा मध्यम दिनों अथा वर्षा, मध्यम दिन उससे थोड़ा आगे जाता है तो वर्षा। यदा पराह्नो अथा शरद, दोपहर के बाद में जाता है तो शरद ऋतु। यदा अस्तम एति अथा हेमंत शिशिरो, और रात्रि में जब अस्त होता है तो जैसे हेमंत और शिशिर ऋतुएं हो जाती है। यानी ऋतुओं का समय पूरे 24 घंटे में दिखा दिया है। आयुर्वेद में भी वातपित्त कफ के प्रकोप और उसके लिए जो काल दिखाए गए हैं तो इसमें ऋतुओं को भी बताया, जैसे ऋतुओं में किस ऋतु में किसका प्रकोप होता है, संचय होता है इत्यादि बताया, उसको दिन में भी घटा करके बताया गया। उस तरह से ये कह रहे हैं, इति सर्वान ऋतून अहनी संपादय थी, बोले सब ऋतुओं को एक ही दिन में गिना दिया। सर्वे च ऋतवः संवत्सरा, और सारी ऋतुएं मिलकर के एक संवत्सर हो जाएंगी। तस्मात अह संवत्सर शब्द ने उच्यते, इसलिए यहां पर एक दिन को संवत्सर शब्द से कहा जा रहा है। अपि च पंच पंचाशत त्रिवृता इति त्रिवृताम पंच पंचाशत सत्वम, बोले यहां पर जो पंच पंचाशत लिखा है 250, ये त्रिवृत के लिए लिखा है, तो ये त्रिवृतों का पंच पंचाशत्व यहां पर कहा गया है। न च द्वादश रात्र त्रिवृतम, 12 रात्रि का जो त्रिवृत है उसके लिए नहीं कहा गया है। एकम ही द्वादशा है त्रिवृताः, द्वादशा में तो त्रिवृताः केवल एक ही होता है। न तत्र त्रिवृत संख्याया द्वादश रात्रेण मुख्यया वृत्त्या समानाधिकरणम, और ये जो त्रिवृत संख्या है इसका द्वादशा की रात्रि से मुख्य रूप से समानाधिकरण नहीं है, गौण रूप से तो भले ही लगा लो। त्रिवृत अह संबंध लक्षण स्यात्, और अगर आप ऐसा करोगे तो त्रिवृत अह ये इससे संबंधित, इसके संबंध की लक्षणा करनी पड़ेगी। अभिसंख्यम त्रिवृत अह, और ये जो त्रिवृत है ये गणना के योग्य है, अभिसंख्य है। तेना श्रुत्या एव समानाधिकरण्यम, इसलिए श्रुति से ही यहाँ पर समानाधिकरण्य मानना चाहिए। श्रुतिश्च लक्षणाया जायसी, और श्रुति लक्षणा से बलवती है। तस्मात पंच पंचाशत अहनी संवत्सर स्यादिति, इसलिए 250 दिन में यानी ये संवत्सर अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। तो विश्व सृजामय ने संवत्सर शब्द से दिवस परत्वेन मनुष्याधिकाराधिकरणम, तो ये मिला के क्या होगा, 250 दिन होगा, ऐसा करके ये चार बार होगा, यानी तो 1000 दिन होंगे, 1000 में 360 का भाग देंगे तो 2.77 वर्ष बनेगा, यानी 3 वर्ष से भी कम का समय लगेगा इसको करने में। आगे देखिए, इतो अग्रे पुनः संस्करणे 44 तमस्य सूत्रस्य हस्तलिखित ग्रंथानुसारेण यो अन्यथा पाठो मुद्रितः, यो अन्व्यः है ना, इसको काट के यो अन्यथा पाठो मुद्रितः सह यह सूक्ष्माक्षरैः मुद्रते। जो तो पुनः संस्करण है आनंद आश्रम वाला, उसमें इसके आगे भी कुछ हस्तलिखित पाठ के अनुसार लिखा है। अयम पाठ पूर्वतनस्य भाष्य पाठस्य संक्षेप रूपा एव, तो ये जो 40वें सूत्र का भाष्य विस्तृत किया गया था उसी का संक्षेप रूप यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। तो देखिए वही 40वां सूत्र है, अहनिवा अभिसंबंधत्व अभिसंख्यत्वात्, तो वह शब्द पक्षम व्यावर्तयति थी न चैतद अस्ति द्वादशा है संवत्सर शब्द ही थी, द्वादशा में संवत्सर घटता ही नहीं है। किम तरही अहसु, दिन में होता है, कुतः दर्शनात्, ऐसा देखा जाता है। अहि इव संवत्सर आई थी ब्राह्मणम, ये ब्राह्मण वचन मिलता है कि अहि के समान संवत्सर होता है। अह इव, हाँ ठीक है, अह दिन के समान संवत्सर होता है थी ब्राह्मणम। ननु द्वादशा है संवत्सर शब्द, तो वो पूर्व पक्षी कहता है नहीं द्वादशा में संवत्सर शब्द है, तो नहीं वह ही तत्व संवत्सर शब्द, बोले वहां संवत्सर शब्द तो पढ़ा नहीं है। साक्षात प्रतिमा शब्द ने संयोगात, सीधे सीधे इसका प्रतिमा शब्द से संयोग होने से इसका स्वरूप बताया है। अहानि पंच पंचाशत त्रिवृत इति, ये पंच पंचाशत त्रिवृत, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, तो अहानी दिन जो है पंच पंचाशत त्रिवृत इति त्रिवृत शब्द है ना आख्यायन्ते न संवत्सर, तो ये जो दिन है ये त्रिवृत शब्द से कहे जा रहे हैं, न कि संवत्सर को त्रिवृत शब्द से कहा गया है। तस्मात अहसु संवत्सर शब्द इति, इसलिए दिन में ही यहाँ पर संवत्सर शब्द को लेना चाहिए।
तो ये छठे अध्याय का सातवां पाद समाप्त हुआ। युधिष्ठिर जी ने इसमें विवेचना लिखी है, उसको भी आप देख लेना। तो 1000 वर्ष की जो आयु है, इसको युधिष्ठिर जी ऐसा लिख रहे हैं कि जो साक्षात्कृत धर्म है, नीरजस्तम है, आयुर्वेद प्रवक्ता है, वो असत्य कैसे लिख सकते हैं? इसलिए वो तो सत्य ही होगी। भाष्य में जो हमने देखा, पूर्व पक्षी ने उसका खंडन किया और एक तरह से सिद्धांति ने भी उसको स्वीकार किया, नहीं तो उसको मान करके वो 1000 साल की आयु करके कर लेते, लेकिन ये स्वीकार्य नहीं है। तो आयुर्वेद में भी जो लंबी लंबी आयु लिखी है वो अर्थवाद है भाष्यकार के मत से, लेकिन युधिष्ठिर जी का ये कहना है कि क्योंकि आप तथे वो झूठ कैसे बोल सकते हैं, यानी अर्थवाद को झूठ माना जाता है। अर्थवाद जो होता है उसको फिर हम झूठ मानने लग जाते हैं, वो अर्थ वो जिसको झूठ नहीं कहा जाता। ये अर्थवाद जो है वक्ता का अभिप्राय जू का तू बताने वाला नहीं है। तो हम किसी को कह देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, वहां ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, वो बहुत को अधिकता को बताने मात्र के लिए होता है, वो अर्थवाद है, केवल प्रशंसा मात्र है। तो कई बार हम शब्दों में इतने हो जाते हैं कि नहीं, इस तरह का कोई शब्द बोल दिया बोले तो झूठ हो जाएगा, वो अर्थवाद मान करके चल सकते हैं। ऐसा ही हमारे कई शास्त्रों में मिलता है, योग दर्शन में भी अर्थवाद मिलता है। अंधो मणिम अविद्यत, अंधे ने मणि को बींद लिया और अनंगुली अनावयत, जिसकी उंगली नहीं थी उसने पिरो दिया। अब ये क्या है, झूठ है ना, झूठ है ना, अगस्त्य ने उसको पी लिया। तो ये केवल अर्थवाद है बताने के लिए कि जब इतना ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान से ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, जो अज्ञात है वो खद्योत के समान बिल्कुल थोड़ा सा होता है, सब कुछ जान लेता है, उसकी प्रशंसा के लिए। आश्चर्यजनक स्थिति है उसको बताने के लिए ये कथन है, ये अर्थवाद है। इसको लेकर के हम उस श्लोक को प्रक्षिप्त भी नहीं कहना चाहिए हमें, ये तो गलत लिखा हुआ है, इसको हटाओ यहाँ से, ये अर्थवाद है। प्रशंसा, वैचित्र्य, बड़ी विचित्र स्थिति है। कैसी विचित्र स्थिति? जैसी है, असंभव को भी उसने संभव कर दिया, बस इस बात को बताने के लिए वो संकेत होते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही समझना चाहिए, आयुर्वेद में जो इतनी लंबी लंबी आयु का वर्णन मिलता है वो केवल इसी दृष्टि से लेना चाहिए। मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि पेट को कम करने के लिए एक योग लिखा हुआ था, तो बोले पेट कितना कम हो जाता है, बोले जैसे कि समुद्र में से पानी निकाल दो और भूमि कितनी गड्ढे वाली हो जाती है, इतना गड्ढे वाला पेट हो जाता है। तो शास्त्र में विश्वास रखने वालों ने ये योग दूसरे व्यक्ति को बता दिया, वो भी विश्वास रखते थे लेकिन कम, बोले कि नहीं आप इसको आप ले और आपका पेट अंदर चला जाएगा, बराबर की तो छोड़ो आपका पेट ऐसा हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। अंदर पेट होता है वो अच्छा माना जाता है ना, जैसे कि अच्छे कुत्ते हों उनका पेट जो होता है ना वो पीछे की तरफ रहता है, शेर हो, कसा हुआ शरीर हो तो पेट कम रहता है, बाद में आयु के साथ साथ वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, नीचे आ जाता है, लेकिन उनका पेट यूं अंदर रहता है वो और अच्छा माना जाता है, अंदर जो पेट हो। बोले इसके खाने से पेट इतना कम हो जाएगा जितना समुद्र का गड्ढा है, अर्थवादी है। हालांकि उनका हुआ नहीं वैसा, पता नहीं बनाया नहीं कि कैसा बना क्या हुआ, वो तो अभी भी वैसा ही एवरेस्ट की तरह से है, एवरेस्ट में तो ऊपर चले गए और समुद्र में गड्ढे में चले गए, तो दोनों है तो वो तो ऊपर उठा हुआ है। हाँ, एवरेस्ट को तोड़ तोड़ करके, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के समुद्र में डाल दें तो इधर गड्ढा तो उधर ऊपर। तो इस तरह की जो चीजें हैं इनको अर्थवाद ही समझना चाहिए, जू का तू है ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो ये छठे अध्याय का सातवां पाठ समाप्त हुआ, आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।